की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गोपाल को रक्षक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गोपाल को रक्षक को न्याय दो, न्याय दो। पिछले दिनों पलवल में गो तस्करों द्वारा गो रक्षक गोपाल की गोली मारकर हत्या करने के विरोध में आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। लघु सचिवालय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। बजरंग दल के जिला उप संयोजक प्रवीण भारतीया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज उनके द्वारा पलवल में गो तस्करों द्वारा मारे गए गो रक्षक गोपाल की हत्या के विरोध में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में उन्होंने सरकार से मांग की है कि मृतक गोपाल के परिवार को 25 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाए और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। ज्ञापन में मांग उठाई गई है कि हरियाणा में गो रक्षक कानून को मजबूती के साथ लागू किया जाए। प्रवीण भारतीया ने बताया कि गो रक्षकों पर हमले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सरकार को गो रक्षा कानून को मजबूती के साथ जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। और इसी के साथ देखते रहिए पलपल की एक खास रिपोर्ट। अभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो गौ रक्षक कार्यकर्ता गोपाल जी का जो पलवल के अंदर जो गौ तस्कर है, गायों से भरा जो ट्रक चुरा कर भाग रहे थे, अपने जो गोपाल गौ रक्षक है उनका जो पीछा कर रहे थे और उसको जो गौ तस्करों ने गोली मारकर गोपाल की जो हत्या कर दी, तो उसके लिए आज हम जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को जो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला फतेहाबाद के कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें हरियाणा सरकार से जो मुख्य मांगे हैं, पहली मांग ये है कि जो गौ तस्कर हैं उनको तुरंत जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो गोपाल गौ रक्षक जिनकी जो गोली मारकर हत्या की गई है उनके जो धर्म मंत्री जी हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए और उसके परिवार को 25 लाख रुपए जो है मुआवजा दिया जाए और साथ ही जो सरकार ने गौ रक्षा कानून बनाया हुआ है उसको बहुत ही मजबूती के साथ लागू किया जाए ताकि ऐसी घटना कोई भी दोबारा ना हो। किसको मिलने के लिए आया अब और किसको ज्ञापन दो? आज हम जो है डीसी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री के नाम से।